एक नौजवान शख्स कोलकाता जू में शेरों को ऑब्जर्व कर रहा है। उसका इस तरह शेरों को देखना देश से जुड़ा काम है। आखिर 21 साल के इंसान को देश का नेशनल एम्बलम डिजाइन करने का मौका रोज रोज तो नहीं मिलता। तो दीनानाथ भार्गव शेरों का पोस्चर और उनका बर्ताव बड़े ध्यान से देखते हैं ताकि तैयार एम्बलम बिल्कुल असली दिखे। ये करीब महीने भर से रोज ऐसा ही करते आ रहे हैं। मतलब आपने मेथड एक्टिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन मेथड स्केचिंग के बारे में कौन जानता है? नेशनल एम्बलम एक रिजर्व्ड सील होती है जिसे एक देश अपनी पहचान की तरह इस्तेमाल करता है। अब आप पूछेंगे, क्या ये देश का लोगो होता है? जवाब है, बिल्कुल नहीं। आप एम्बलम को पर्सनल या प्राइवेट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी है। तो हमारा नेशनल एम्बलम कहाँ कहाँ नजर आता है? ये आपको मिलेगा देश की करेंसी पर और पासपोर्ट पर। ये होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स पर, और सबसे जरूरी चीज हमारे संविधान में भी। सिक्के पर नेशनल एम्बलम वाले हिस्से को हेड कहा जाता है। क्रिकेट के शौकीन तो इस बात को जानते ही होंगे, टॉस, राइट? तो आखिर हमारा नेशनल एम्बलम बना कैसे? कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग साम्राज्य को जीत लिया था, लेकिन इसके बाद उन्हें बहुत अफसोस हुआ क्योंकि इस जंग में हजारों लोग जो मारे गए थे। उन्होंने इसके बाद हथियार न उठाने की कसम खाई और जितना मुमकिन हो उतना अमन और शांति को बढ़ावा देने का फैसला किया। और तब उन्होंने लायन कैपिटल पिलर को बनवाया शांति के प्रतीक के रूप में, और इसीलिए इसे हमारे देश के नेशनल एम्बलम के रूप में चुना गया। तो अब नजर डालते हैं इस एम्बलम की बनावट पर। इसके ऊपर की तरफ होते हैं शेर, जो ताकत, साहस और गर्व के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि ये हर डायरेक्शन में लीडरशिप और विजिलेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके नीचे बने पहिए में 24 स्पोक्स होते हैं जो दिन के 24 घंटों को दिखाते हैं, और ये पहिया बताता है कि वक्त कभी नहीं रुकता। धर्म चक्र के नाम से मशहूर ये पहिया इंसाफ, गौरव और लोगों के हक को भी दिखाता है। बाई ओर दौड़ता दिख रहा घोड़ा लगातार संघर्ष का, और दाई ओर बना बुल देश की ताकत का प्रतीक है। और मुंडक उपनिषद से लिए गए इंस्क्रिप्शन सत्यमेव जयते का मतलब है कि सच की हमेशा जीत होती है। तो अब आप जानते हैं कि हमारे एम्बलम में मौजूद हर चीज का एक मतलब है। आखिर हम इंडियंस की हर बात के पीछे एक मतलब छिपा होता है। हमारे देश भारत ने 26 जनवरी 1950 के ऐतिहासिक दिन इस नेशनल एम्बलम को अपनाया। आखिरकार एक ऐसा सिंबल था जिसे सही मायनों में हम अपना कह सकते थे, जो हमारी भारतीय पहचान को दिखाता है। अशोक स्तंभ को नेशनल एम्बलम के रूप में अपनाकर भारत ने अपने गौरवशाली अतीत को शानदार भविष्य से जोड़ा है।